मेक्सिको के एक दही सेकेंडरी स्कूल में नामालूम मादा से कम अज़ कम 57 तलबा को जहर दे दिया गया। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 6 या 5 स्कूलों में इज्तमाई जहर खुरानी का ये तीसरा वाकया है। इंडिया टुडे खबर एजेंसी रोटर्स के हवाले से बताया कि इस वाकये के बाद सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट सामने आई कि तालिब इल्मों का एक निजी लेबॉरट्री में कोकेन का टेस्ट मुस्बत आया है। ताहम तलबा के वालदैन को शबा है कि इनके बच्चे आलूदा खाने या पानी से मुतासर हुए होंगे। वाकये में मुतासर होने वाले एक तालिब इलम की हालत तशवीशनाक है और बाकी की हालत मुस्तहकिम है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 6 पास के स्कूलों में बड़े पैमाने पर जहर देने का ये तीसरा वाकया है। मेक्सिको के सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि बोचल के दही बरादरी की 57 उम्र तलबा जहर के इलामात के साथ मुकामी हस्पताल पहुंचे थे। एक तालिब इलम को नासुक हालत में रियासत के दारुल हुकूमत के एक हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकये की हालत मुस्तहकिम है। Thank you.